الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاط المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صلوات अज़ीज़ान मोहतरम दीन और तसव्वुर निजात के उन्वान से यह हमारा चौथा सिलसिला गुफ्तगू है। अब तक हमने जिस बात को समझने की कोशिश की वह बात कुल इतनी है कि हमें क्या मालूम कि दीन क्या है। हमारे नबी ने बताया कि दीन ये है, हमने उसे मान लिया। दीन को माना पैगंबर के कहने से, कुरान को अल्लाह की किताब माना पैगंबर के फरमाने से। नजात का जो भी तसव्वुर पैगंबर अता फरमाएंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। देखो ये जो अल्लाह का एक होना है ये भी हम पर साबित नहीं है। हमें क्या मालूम कि एक है कि 25 हैं, कुछ नहीं मालूम। ये वाकया ये है कि बिल्कुल नहीं मालूम कि अल्लाह की तादाद क्या है, लेकिन हमारे नबी ने फारान की चोटी से जो सबसे पहला ऐलान किया वो ऐलान ये था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अगर ये कहोगे तो नजात पा जाओगे। यह है नजात की पहली बुनियाद, दीन और तसव्वुर नजात, यह है नजात का पहला तसव्वुर। तो मेरे नबी ने अपनी नबूवत का पहला जुमला फरमाया है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम्हें नजात मिल जाएगी। ये मेरे नबी की नबूवत का पहला जुमला है। तारीख है नबूवत के दो बड़े अहम जुमले हैं, एक तारीख नबूवत का पहला जुमला है और एक तारीख नबूवत का आखिरी जुमला है। पहला जुमला सबको मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात मिल जाएगी। आखिरी जुमला किसी को याद है? आखिरी जुमला तारीख नबूवत का इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकर है किताब अल्लाह है वह इतरत ही, मैं किताबो इतरत को तुम में छोड़कर जा रहा हूं। तो पहला जुमला अल्लाह को एक मानो,
आखिरी जुमला मेरी इज्जत को मानो, जिसने पहले जुमले का इनकार किया सारी दुनिया उसे काफिर कहती है, अब जो आखिरी जुमले का इनकार कर दे उसके लिए फतवा क्या है? ये रज़ाए फिक्र है नौजवान दोस्तों के लिए। तो पहला ऐलान मेरे नबी का क्या था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अब इन नौजवानों को खुसूसियत से मुतवज्जे कर रहा हूँ कि भाई अब जो गुफ्तगू छिड़ने वाली है बहुत तवज्जो रखना उसके ऊपर, उस गुफ्तगू को पूरी तवज्जो के साथ अपने जहनों के अंदर महफूज रखना। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। बाद में सूरह मोहम्मद में परवरदिगार आलम ने इस जुमले को आयत बना के नाजिल किया। पहले ये जुमला निकला है मेरे नबी की जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर सूरह मोहम्मद में ये जुमला आयत बना फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यह 47वां सूरह है कुरान का। अब ऐसे सुनो जैसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो 47वां सूरह है सूरह मोहम्मद और 48वां सूरह है सूरह फतह। 47वें सूरह में ला इलाहा इल्लल्लाह, 48वें सूरह में मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक साथ कहीं पूरे कुरान में कलमा नहीं है। ये कलमा तो हमने बाद में तय कर लिया है, वरना हकीकत में पैगंबर को मान लेना और पैगंबर के अल्लाह को मान लेना यही इस्लाम है, ठीक है ना। और मैंने कभी एक जुमला कहा था और ये जुमला तुम्हें हदिया कर जाऊं, किसी नशियाती वसीले से फिर सुन लोगे। वल्लहु अस्लमा मन फिस समावात वल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युर्जऊन। कायनात का सर्रा सर्रा मुसलमान है, सूरज मुसलमान है, चांद मुसलमान है, जमीन मुसलमान है, आसमान मुसलमान है। तीसरा सूरह आयत का शांति राशि वलहू असलमा मन फिस समावात वल अर्द तौअन व करहन। कोई अपनी मर्जी से जाए या कोई बचा बचा है, इस्लाम को कबूल करना होगा। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, कुरान कह रहा है ये सब मुसलमान। और इत्तेफाक की बात यह कि इनमें से किसी एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। अजीब लोग हैं। अजीब लोग हैं कि बगैर कलमे के पूरी कायनात को मुसलमान माने जा रहे हैं और अबू तालिब के ईमान में आज तक अटके हुए हैं। देखो अब फिर रुक जाओ, थोड़ा सा और से रिकॉर्ड सुनते चलो। मैं मिंबर पर एजेंडा मोशन करके नहीं आता, तो अब एजेंडे तो यही बन जाते हैं, लेकिन एक बात सुनते जाओ। सूरज से कलमा नहीं पढ़ा मुसलमान, चांद से कलमा नहीं पढ़ा मुसलमान, ठीक है ना। अच्छा जमीन और आसमान में कलमा नहीं पढ़ा कुरान कहता है मुसलमान, और गो को परवरदिगार के हुक्म से पैगंबर ने बुलाया। कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है? मुशरिकों ने कहा था मेरे नबी से कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये भागते हुए जानवर को तो बुलाएं, याद है या नहीं? बहुत मशहूर वाक्य है, बहुत ही मशहूर वाक्य है, भागते हुए जानवर को बुलाएं। अच्छा ये बताओ नौजवानों, बुजुर्ग नहीं,
یہ بتاؤ کہ یہ مطالبہ شریفانہ ہے؟ شریفانہ نہیں ہے، خدا کی قسم شریفانہ نہیں ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تو بھاگتے ہوئے جانور کو بلائیں۔ وہ جان رہے تھے کہ اگر جانور وحشی ہو تو بلانے پر اور تیز بھاگتا ہے، جان رہے تھے۔ یہ مطالبہ شریفانہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، رسول کو عاجز کرنا تھا، عاجز کرنا تھا کہ بھاگتے ہوئے جان، دیکھو اگر پالتو جانور ہو نا پلا ہوا تو تمہارے پکارنے پہ آ جائے گا، لیکن اگر وحشی ہو، وحشی جانور ہو، تم سے مانوس رہو تو جتنا پکارو گے اتنا تیز بھاگے گا۔ یہی تو ہے، تو رسول کو لاجواب کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے نبی نے کہا بھاگتے ہوئے جانور سے پلٹ، وہ پلٹا، وہ پلٹا، اور زبان سے نہیں اپنی کیفیت سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ میں اگر سے جانور ہوں لیکن نبی کے بلانے پر آؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ عجیب مسئلہ فکر ہے، جانور پلٹ کے آیا، میرے نبی نے آواز دی کلمہ پڑھ، جانور نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جانور بجو تھا، بجو ہے۔ تمہارے شہر میں بھی کبھی کبھی لیٹ نائٹ دور دراز کی سڑکوں پر نظر آ جاتا ہے، بجو ہے نا جانور، بجو نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لیا بجو نے۔ ایک دن پھر مشکل نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بجو نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اچھا یہ جملہ کہتا چلوں نا کہ بجو نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو رسول کے کہنے سے کلمہ پڑھنا اور ہے، بجو کے کہنے سے کلمہ پڑھنا اور ہے۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں جنہیں سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ اچھا بھائی، جانور نے کلمہ پڑھ لیا، بجو نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے کہ ہاں اگر آپ نبی ہیں تو اب ہمارا دوسرا مطالبہ ہے، یہ جو درخت ہے اسے بلائیے۔ علی نے اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں ایک تفصیلی خطبہ دیا ہے اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو علی کا وہ خطبہ سناؤں گا، کبھی کبھی اگر زمانے نے مہلت دی۔ پیغمبر نے آواز دی، درخت کو کیدھر رہا، درخت آیا، کہا کہ یہ تو آ گیا، بولتا تو کچھ نہیں ہے، کہا کلمہ پڑھ، درخت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو واقعے ہو گئے، بجو نے کلمہ پڑھا، درخت نے کلمہ پڑھا۔ ایک دن خانہ کعبہ کی چار دیواری میں میرا نبی بیٹھا ہوا تھا، کچھ مشرکین آ گئے شہر کے باہر کے اور کہنے لگے یہ جو سنگریزے ہیں نا، سرزمین بتا، سنگریزوں کی زمین، یہ جو سنگریزے ہیں، یہ سنگریزے اگر کلمہ پڑھتے ہیں ہم آپ کو ایمان لائیں گے۔ پیغمبر نے کچھ سنگریزے اپنی ہتھیلی پہ لیے، چھوٹے چھوٹے پتھر گول گول، انہیں اپنی ہتھیلی پہ لیا اور کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، کلمے سے تو انسان مسلمان بنتا ہے نا، کلمے سے بنتا ہے۔ تو جب یہ فہرست بناؤ
कि कौन कब इस्लाम लाया, तो ये लिखना ना भूलना कि बिज्जुओं में भरा बिज्जू पहले इस्लाम लाया, पत्थरों में भरा पत्थर पहले इस्लाम लाया। समझ रहे हो ना, एक जुमला कह के मैं फिर वापस जाऊंगा उस कलमे की तरफ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर मुझे वापस जाना है और मैं नौजवानों से अपील कर चुका हूं कि बहुत तवज्जो देना कि जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। अच्छा भाई, तो बिज्जुओं में फला बिज्जू पहले इस्लाम लाया लिखो, पत्थरों में फला पत्थर पहले इस्लाम लाया ये भी लिखो, दरख्तों में फला दरख्त पहले इस्लाम लाया इसे भी लिखो। भाई यही लिख के क्यों रह गए कि औरतों में फला औरत पहले इस्लाम लाई, मर्दों में फला मर्द पहले इस्लाम लाए, गुलामों में फला गुलाम पहले इस्लाम लाया और बच्चों में फला बच्चा पहले इस्लाम लाया। तो गुलामों में एक गुलाम पहले इस्लाम लाया, मर्दों में एक मर्द पहले इस्लाम लाए, औरतों में एक औरत पहले इस्लाम लाई, बच्चों में एक बच्चा पहले इस्लाम लाया। अब मैं मौरखीन से सवाल करता हूं कि इन चारों में पहले कौन इस्लाम लाया? सब खामोश हो गए। सब खामोश हो गए। सांप सूंघ गया, कोई ये नहीं बताता कि इन चारों में पहले कौन इस्लाम लाया। तो अगर तुम्हें खुशी होती है कि अली बाद में इस्लाम लाए, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं नहीं लाए। मैं मिंबर से कह रहा हूं, और कोई अगर झुटला दे तो करके मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अली इस्लाम नहीं लाए। दो लफ्जों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया गया और दो ही लफ्जों में मेरे इमाम ने जवाब दिया, यब्न रसूलिल्लाह मता आमना, अल्लाह के रसूल अली कब इस्लाम लाए? मता आमना फरजंदे रसूल, इमाम सादिक से सवाल है ना, फरजंदे रसूल अली मता आमना, अली कभी मान लाए? बेख्तियार जवाब दिया मता कफरा, अरे वो काफिर कब से जो इस्लाम लाते। फिर वापस चलो पैगंबर अकरम के जुमले की तरफ, कोलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो कहो कहो, तो मतलब मानो भी, दिल से भी मानो जबान से भी कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। देखो वो जो मैंने कहा था ना कि नौजवान मुतवज्जे हो जाए, वो बहस अब छेड़ रही है। कलेमा ये भी तो हो सकता था, अल्लाह वाहिदुन अल्लाह एक है, बहुत आसान था। ये घुमा के ला इलाहा इल्लल्लाह, चार लफ्ज है ना, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ठीक है ना, और ये तो दो लफ्जों का था, अल्लाह वाहिदुन अल्लाह एक है, आसान नहीं था, आसान था ना। लेकिन कलेमा इस्लाम में अल्लाह वाहिदुन नहीं है, कभी कभी ऐसे भी सुनो अल्लाह वाहिद नहीं है। अगर होता ना कि अल्लाह एक है तो मुशरिक आसानी से मान लेते कि 365 हमारा एक मोहम्मद, कभी सही? कुवत कुवत देखो कलमे की, खुदा की कसम कलमे की कुवत देखो, फिर मैं आसानी से इस मकाम से आगे बढ़ जाऊं। अगर होता ना अल्लाह वाहिद अल्लाह एक है तो कहते भाई 365 तो हमारे हैं ही, एक मोहम्मद कभी कबूल कर लो, ठीक है ना। नहीं, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है,
अब जो भी कहे कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो उस मुआशरे से कट जाएगा या नहीं? बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिक्र को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और रुक रुक के बोल रहा हूं ताकि नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उस जमाने में आसान नहीं था। पूरा समाज मुशरिकों का, पूरा मुआशरा मुशरिकों का, मक्के पर होल्ड मुशरिकों का, समाज की जितनी रस्में थी वो मुशरिकों से मुतालिक थी। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो वह मुशरिकों के मुआशरे से कट जाएगा या नहीं? तो उस जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान नहीं था। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ना, तारीख उठा के देख लो, बाप ने कहा बेटे ने उसे छोड़ दिया, बेटे ने कहा बाप ने छोड़ दिया, शौहर ने कह दिया बीवी हट गई, बीवी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया शौहर अलग हो गया, यानी खानदान टूट गए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। यह है ला इलाहा की कुव्वत। समझ रहे हो बात को? नहीं भाई, तुम्हें तो कहीं दूर ले जाना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना? पूरा मुआशरा तितर बितर हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। बाप बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, गुलाम आका का दुश्मन, आका गुलाम का दुश्मन, शौहर सौजा का दुश्मन, सौजा शौहर के दुश्मन, यानी पूरा मुआशरा टूट गया। कितने बड़े वो लोग थे जिन्होंने मुआशरे से कटना गवारा किया लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ा। यही सबब है कि मैं हमेशा अपने सुनने वालों को ये तलकीन करता हूं कि मुस्लिमीन अव्वलीन का एहतराम वाजिब है। यह जुमला पहुंच गया, वो जो पुराने मुसलमान हैं, पुराने मुसलमान, उनका एहतराम तुम पर वाजिब है। उन्होंने बाप छोड़ा, बेटा छोड़ा, बीवी छोड़ी, बीवी ने शौहर छोड़ा, गुलाम छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, फकत एक ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो उनके ला इलाहा इल्लल्लाह का इम्तिहान तो हो गया। यानी कितनी सस्ती थी जन्नत और कितनी सस्ती थी नजात कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, ठीक है ना? तो नजात कितनी सस्ती थी ना? लेकिन सस्ती नहीं थी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में पूरे मुआशरे को छोड़ना था, ठीक है ना? सोशल बायकॉट होना था। मुमकिन है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसका मुशरिक बाप उसे मीराश भी ना दे, यानी माल से भी जाए, इज्जत से भी जाए, रिश्तेदारी से भी जाए और पूरे मुआशरे से जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी कुव्वत थी। अच्छा, तो उन्होंने बर्दाश्त किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुआशरे से कट गए। अब उनकी नस्लें आई। फिर सुनना, देखो ये फिक्र है जो तुम्हें दे रहा हूं, फिक्र। और ये फिक्र अगर पहुंच गई तो फिर इसी मकाम से मैं आगे बढ़ूंगा। क्या समझे अब तक? नौजवानों से पूछ रहा हूं कि मियां ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मुश्किल था कि उनकी नियतों का इम्तिहान हो गया जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, छोड़ दिया पूरे मुआशरे को, एक अल्लाह के लिए पूरे मुआशरे को छोड़ दिया। और अब उनकी नस्लें आई, मुसलमान पैदा हुए, अब इनका ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे आजमाया जाए? इसलिए ये तो पैदा ही हुए मुसलमान मुआशरे में। अब अहकाम आए, नमाज पढ़ो तो इस्लाम मानेंगे, रोजा रखो तो इस्लाम मानेंगे, हज करो तो इस्लाम मानेंगे, समझ रहे हो? तो ये सारे अहकाम इसलिए आए कि तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह का इम्तिहान हो जाए। अब जो मुसलमान आए तो वो जबान से भी कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कुछ वक्त लूंगा मैं। जबान से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और नमाजें पढ़कर, रोजे रखकर, हज करके, वो अपने अमल से भी बता रहे थे कि हम जबानी मुसलमान नहीं है, अमली मुसलमान है। समझ में आ गए उस दौर के मुसलमान? अब मैं क्या करूं भाई? सुन रहा, खुदा की कसम सुन रहा, इसी मरहले के लिए तो जहमत दी थी। तो अब वो कितने खरे मुसलमान हैं कि जबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, पैगंबर अकरम जो हुक्म देते जा रहे हैं वो कर रहे हैं। कालतिल आराबो आमन्ना,
سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن کا. یہ مسلمان, یہ عرب, یہ بدو آ کے تمہارے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو ساری توحید, ساری رسالت, ساری شریعت اسلام ہے, ایمان نہیں ہے. یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے, اور اس جملے کی تشریح میں ذرا سا آگے بڑھ کے کروں گا. اچھا, تو اب کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہے, ٹھیک, کلمہ محمد رسول اللہ تو ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ مسلمان تو ہیں, مومن نہیں ہیں. تو اب جاؤ قرآن مجید میں آیت دیکھنا, اور عجیب و غریب آیت ہے جو تمہیں حجیہ کرنے جا رہا ہوں. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ فانزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اب یہاں لفظ مومنین آیا, اب یہاں لفظ مومنین آیا. کافر, کافر اپنی جھوٹی عزت پر اڑے ہوئے ہیں. رسول مت گھبرا, میں نے تیرے اوپر تسکین نازل کر دی, میں نے تیرے مومنین پر بھی تسکین نازل کر دی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور ان کے لیے ایک کلمہ اور بھیجا جس کلمے کا نام ہے کلمہ تقویٰ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور یہ مومنین ہی ہیں جو اس کلمہ تقویٰ کے اہل ہیں. سب نہیں ہیں, مسلمین نہیں ہیں. آیت پہنچ رہی ہے نا, اگر آیت پہنچ رہی ہے تو میں اس مرحلے سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. کانو احق بہا و اہلہا, یہ مومنی, یہ مومنی مستحق بھی ہیں اور اہل بھی ہیں اس کلمہ تقویٰ کے. وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اب ایک تقویٰ, ایک کلمہ تقوی کا آیا جس کلمے کا تعلق ہے مومنین سے. یہاں تک آگے میرے ساتھ دیکھو, آج ذرا میں نے اسلوب گفتگو کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کیا ہے, تھوڑا سا, زیادہ بلند نہیں کیا ہے. لیکن یہ آیتیں تمہیں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کو جانے کے بعد قرآن مجید کے اندر دیکھنا کہ کلمۃ التقویٰ کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا نہیں ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, کلمہ رسالت محمد رسول اللہ, یہ کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ کوئی کلمہ تو ہے, اور اس کا تعلق مسلمین سے نہیں ہے, مومنین سے. بھائی یہاں تک آ گئے؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ آیتیں ضائع نہ ہونے پائیں. اب میں پھر تمہیں واپس لے چل رہا ہوں قرآن مجید کی طرف, اور آیت سننا اور آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. میں یکفر بالایمان, یہ ایمان ہی سے مومن نکلا ہے, جو ایمان کو مانے وہ مومن. وَمَنْ یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین, جو ایمان کا انکار کر دے, جو ایمان کا انکار کر دے ہم اس کے سارے عمل باطل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, کس کے عمل باطل کریں گے؟ جو ایمان کا انکار کر دے. اور عمل یہ عمل کس کا باطل ہوگا؟ بھائی کافر کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا نا. میسج پہنچا نہیں پہنچا؟ کافر کے عمل کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یہ ایسے ہیں جن کے عمل کے قبول ہونے کا امکان ہے, لیکن ایمان کے انکار کے سبب عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. سنتے چلو, یہ آیتیں سنتے چلو, اس لیے کہ یہ آیتیں کسی مرحلے پر مکمل ہو جائیں گی. تو یہ ایک آیت, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اور اب ایک عجیب و غریب آیت میں سنانے جا رہا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ,
वो लोग जो मोमिन हैं। इस आयत में पॉलिसी है और इस पॉलिसी को रुक के देना चाह रहा हूं। इन्नल लजीना आमनू, वो लोग जो मोमिन हैं, वो अमल सालेहात, अमल साले करते हैं यानी मुत्तकी भी हैं। यहदीहिम रब्बहुम बेईमानहिम, तो अल्लाह एक दिन ईमान का उनसे तारुफ करा देगा। मियां सरसरी गुजर गए इस आयत से। जो मोमिन हैं अल्लाह एक दिन उनका तारुफ ईमान से कराएगा। भाई जो मोमिन है वो तो पहले से मोमिन है, अब ये कौन सा ईमान है? भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। ये ईमान समझ लो, आज जरा मैंने मुश्किल में डाल दिया। मैं ज्यादा नौजवान दोस्तों के जहनों पर आयात कुरानी का टैक्स नहीं डाला करता। टैक्स यानी बोझ, वो गवर्नमेंट वाला टैक्स नहीं, वो भी बोझ ही है, वो भी बोझ है। तो मैं ज्यादा बोझ आयात कुरानी का नहीं डालना चाहता अपने नौजवान दोस्तों के जहनों पर, लेकिन आज मैं ये आयात जो हदिया कर रहा हूं इन सबको ज्यादा देखना, फिर सुनना। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो लोग जो मोमिन हैं व आमिलुस सालिहात और अमल सालेह करते हैं, मुत्तकी भी हैं। यहदीहिम रब्बहुम बेईमानहिम, अल्लाह एक दिन उन लोगों का तारुफ ईमान से कराएगा। इसका मतलब यह कि मोमिन और है और ईमान और है। अब कहां तलाश करें कि वो ईमान कहां है? मेरे मोहम्मद ने आवाज दी, बड़ा दल ईमानों खुल रहा हूं कुबरे खुल रहे। नबी ने खंदक के मैदान में कहा था ना, बरादर ईमान हो कुल लहू, पूरा ईमान मैदान में गया। नबी कह कहां रहे हैं? बालों के खैमे में, और ऐसे खैमे में जहां बड़े बड़े मदद करने वाले बैठे हैं। बड़े बड़े रसूल के जानिसार बैठे हुए, वहां मेरा नबी उन्हें सुना के कह रहा है, बरादर ईमानो कुल्लहू, पूरा ईमान, पूरा कुल्लहू, पूरा ईमान मैदान में है। तो जब पूरा ईमान मैदान में है तो फिर ये क्या है? ईमान समझ में आ गया, कलमे तौहीद, कलमे रिसालत, अब उसे कलमे तकवा कहो या कलमे ईमान कहो। बरादर ईमान कुल्लहू, सुनना, तुम्हें रोक रहा हूं। और अब जो हवाला दूंगा तो उस हवाले को, मेरी जाती रिक्वेस्ट है कि उस हवाले को सरसरी न देखना। अभी मजलिस के अख्तिताम के बाद निकलना, कुरान मजीद इमाम बारगाह में भी मिल जाएंगे, तुम्हारे घरों में भी होंगे। जो हवाला दे रहा हूं, जो कोटेशन दे रहा हूं, उसे जाकर देख लेना। तो बरादर ईमानो कुल्लहू, पूरा ईमान गया। कौन गया था? अली। तो अली है पूरा ईमान, ठीक है ना? नफ्स रसूल की रोशनी में
قول رسول کی روشنی میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قول رسول کی روشنی میں علی ہے پورا ایمان. اب آیت سنو گے بھائی, اگر آیت برداشت کر سکتے ہو تو کرو. 49واں سورہ سورہ حجرات آیت کا نشان 7, 49واں سورہ 7ویں آیت, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ترجمہ کروں؟ دیکھو راشدون کے لفظ سے واقف ہو, راشدون جانتے ہو؟ راشدون راشدین ایک ہی معنی ہے. جب حالت رفع میں ہو, جیسے مومنون مومنین, منافقون منافقین, ایسے راشدون راشدین, تو راشدون اور راشدین کے معنی ایک ہی ہیں. یہاں راشدون آیا ہے لیکن معنی ہے راشدین جو ہم اردو میں بولتے ہیں. پورے قرآن میں سروے کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ لفظ راشدین یہی ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. ہم نے تو اس لفظ کو بہت استعمال کیا ہے. ہم نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا لیکن قرآن نے کل ایک مقام پہ استعمال کیا, راشدون. بھئی یہ راشدین کون ہے؟ اب ترجمہ کروں پورے آیت کا؟ جب پوری آیت کا ترجمہ کروں گا تو راشدین تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے. ولکن اللہ حبب, ایمان تمہارے ذہن میں ہے؟ راشدون تم نے یہ لفظ سن لیا, ٹھیک ہے نا؟ ایمان تمہارے ذہن میں موجود ہے؟ ایمان جانتے ہو گے کون ہے؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے باعث محبت بنایا ہے. جب ہی تو محبت کرتے ہیں نا. تمہارے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. دیکھو لفظوں کا انتخاب دیکھو قرآن مجید کا. ولکن اللہ حبب الیکم ایمان, اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے قابل محبت بنایا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے کر رکھ دیا ہے. ایمان قابل محبت ہے, اور ایمان دلوں میں زینت بن کے رکھا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ حب علی یہ. پہنچ رہا ہے میسج بھائی؟ آئے مبارکہ کا میسج پہنچ رہا ہے؟ ابھی میں نے پورا میسج تمہیں نہیں دیا. سنو پوری آیت کا ترجمہ سنو, بغیر کمنٹ کے سننا. اپنی طرف سے کمنٹ کیوں کروں جب اللہ خود کمنٹ کرے؟ دیکھو اللہ کا مزاج بھی عجیب ہے. غنی عن العالمین ہے نا, غنی عن العالمین. میں تو مصلحت سے ہزار باتیں چھپاتا ہوں, وہ تو نہیں چھپائے گا. مالک الملک ہے, قادر مطلق ہے, ساری کائنات کا خالق ہے, اسے کون روک سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نے ایمان کو بائی سے محبت بنایا ہے. وہ کر رہا ہے الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور ہم نے کفر کو, فسق کو, عصیان کو بائی سے نفرت کرا دیا ہے. کفر کو, فسق کو, عصیان کو بائی سے نفرت کرا دیا ہے. کفر سے نفرت کرو, فسق سے نفرت کرو, عصیان سے نفرت کرو, ایمان سے محبت کرو,
मोहब्बत एक से नफरत तीन से। अब आप भाई, आपने देखा कि सूरह हुजरात की सातवीं आयत का हुक्म क्या है? ईमान से मोहब्बत करो, कुफ्र से, फिस्क से, इसियान से नफरत करो। उलाए का हुमुर राशिदून, राशिदीन वही हैं जो एक से मोहब्बत करें। एक मसला तो रह गया, और वो मसला अगर हल न हुआ तो फिर कुछ न हुआ। देखिए मैं तुम्हारे मुल्क का शहरी हूं, तो शनाख्ती कार्ड तो बनवाने में भी गया था। अच्छा, उन्होंने पूछा, जनाब आपका मजहब क्या? मैंने कहा इस्लाम। मेरा जी चाह कर ब्रैकेट में लिख दूं काफिर नहीं। मेरा मजहब इस्लाम। मैं मुसलमान तो क्या ब्रैकेट में लिखूं काफिर नहीं? भाई जो मुसलमान होगा वो काफिर नहीं होगा, जो काफिर होगा वो मुसलमान नहीं होगा, तो कहने की जरूरत नहीं होती। जब आपने कह दिया मुसलमान तो फिर मुसलमान। अब ये कि काफिर नहीं है और यहूदी नहीं है और मुनाफिक नहीं है और ईसाई नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एक बात अगर आपने कह दी तो उसकी जिद, उसका अपोजिट खुद ही खत्म हो गया है ना। तो जब आपने ये फरमा दिया, परवरदिगार से कह रहा हूं माफ कर देना, कभी कभी तो जसारत कर ही लेनी चाहिए ना। मैं देखो, अल्लाह डरने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है। ये मेरा जुमला याद रखना, और कभी मुझसे फिर सही अय्याम आज़ा के बाद सही इस जुमले की तशरीह जरूर मांगना कि अल्लाह डरने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है। तो मैं मोहब्बत कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि मालिक, जब तूने कह दिया कि ईमान से मोहब्बत करो, तो जाहिर है कि हम ईमान से मोहब्बत करेंगे तो कुफ्र से नफरत करेंगे, फिस्क से नफरत करेंगे, इसियान से नफरत करेंगे। ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी? कि ईमान से मोहब्बत करो, कुफर से नफरत करो, फिस्क से नफरत करो, इसियान से नफरत करो। मालिक तू बतलाना क्या चाहता है? तो कहा भाई बतलाना ये चाह रहा हूं कि फकत महबूब से मोहब्बत का ऐलान काफी नहीं है जब तक उसके दुश्मनों से बेदारी साथ में ना हो। Oh!
मैंने मैंने बड़ी रहमत दी, लेकिन अब तो आया हूं विलायत पर, जो ईमान हो वही वली हो। याद है ना कल की और परसों की गुफ्तगू कि जो मौला है वही वली है, जो वली है वही मौला है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में करूं, विलायत में और मौलायत में कोई फर्क नहीं है सिवाय लफ्ज के। वली और मौला एक ही मानी में इस्तेमाल हुए। और अपने उस नादीदा दोस्त की खिदमत में यह जुमला अर्ज कर रहा हूं कि मियां गुफ्तगू हमेशा शख्स देखकर की जाती है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि खुदा के मुनकिर हैं, रसूल के मुनकिर हैं, अली के मुनकिर हैं, तो मैंने तीनों की विलायत से गुफ्तगू की है। तीनों की विलायत से गुफ्तगू की है। और जब अलग अलग बात करूंगा तो खुदा की तौहीद पे बात करूंगा, मोहम्मद की रिसालत पे बात करूंगा, अली की इमामत पे बात करूंगा। भाई क्या भूल गए? देखो अब इमामत तो फिर इमामत है, इमामत को कभी फिर सही, इमामत तो फिर इमामत है। वो मेरे पूछने वाले दोस्त ने पूछा था कि जब कयामत होगी, कयामत नहीं जब कब्र में आप होंगे और पूछा जाएगा मन इमामों का आपका इमाम कौन है, तो जवाब क्या देंगे? इसे क्या आप तो विलायत के कायल हैं? या शायद जवाब की नौबत ना आए इसलिए कि मेरा इमाम बैठा हुआ होगा। ठीक है ना? तो अब मैं फिर वापस विलायत तक आ गया। और किस जबान में और किन लफ्जों में मैं तुम तक उस पैगाम को पहुंचाऊं जो कल रह गया था? खुदा की कसम मेरे इस जुमले को याद रखना। और ये जुमला इस काबिल है कि इसे याद रखो। कल मैंने एक जुमला कहा था कि हर हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है। मिन रब्बिक, नमाज अल्लाह ने भेजी, रोजा अल्लाह ने भेजा, आयतें मैंने पढ़ी थी गलत, लेकिन मिन रब्बिक का लफ्ज सिवाय गदीर के मौके के कहीं नहीं है। नहीं, वाकया ये है। इसी तरीके से एक जुमला कहने जा रहा हूं। देखो खुदा की कसम, याद है कुछ जब आयत आई थी ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतहु। हबीब पहुंचा दो। अच्छा तर्जुमा गलत हो गया, मुझे माफ कर देना। भाई इंसान से गलती तो होती है ना, या नहीं होती? गलती तो होती है। तर्जुमा मैंने गलत कर दिया। आयत क्या पढ़ी? या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग के मानी पहुंचा दो। अब मैंने तर्जुमा क्या किया? हबीब पहुंचा दो। हबीब नहीं, रसूल पहुंचाओ। हबीब जाती रह जाए, रसूल सरकारी रह जाए। हबीब नहीं, हबीब नहीं। या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, रसूल पहुंचाओ, बल्लिग पहुंचाओ। अब बल्लिग का तर्जमा करूं? अगर मुझ पे एतबार करते हो तो सदमे पे मेरे एतबार करना। बल्लिग, बार बार पहुंचाओ। मेरे तर्जमे पे एतबार कर लो, कर लो एतबार मेरे तर्जमे पर, इसलिए कि मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। एक लफ्ज इबलाग बाबे फान इबलाग, और एक लफ्ज तबलीग बाबे तफईल। इबलाग के मानी एक मरतबा पहुंचाना, तबलीग के मानी बार बार पहुंचाना। तो या अय्युहर रसूल अबलिग, एक मरतबा पहुंचा दो, नहीं
बल्ले बार बार पहुंचाओ। माँ उनके रहने का मेरा भी क्या पहुंचाओ, वो जो तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, वो पहुंचा दो। वह इन लम तफाल, और अगर तुमने ये अमल न किया, फमा बल्लक रिसालत, तो तुमने अल्लाह की रिसालत नहीं पहुंचाई। वो क्या चीज थी जो पहुंचानी थी? आज समझ में आया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह की रिसालत हैं। चलो यहां थक गए या अय्युह रसूल बल्ले मा उन्ज़र इलैक मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, और हबीब अगर तूने वो ना पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा, दुश्मनों के शर से तुझे महफूज रखेगा। जंगे बदर में अतबा और सहबा को मार चुके जो बड़े दुश्मन थे, जंगे उहद में तो बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया, जंगे खंदक में अमर इब्ने अब्दवत को मार दिया, बड़े दुश्मन है अली के और रसूल के। जंगे खैबर में मरहब अंतर दोनों को मार दिया, जंगे हुनैन आखिरी जंग अबू जरवल बहुत बड़ा बहादुर था उसे अली ने मार दिया। फतेह मक्का के दिन अली का बड़ा दुश्मन था असद इब्ने खुवैलिद, उसे मार दिया। तो सारे दुश्मन तो मारे गए, अब हाजियों में कौन से रह गए हैं? अब ये कौन है? हाजियों का मजमा है, साथियों का मजमा है, रसूल के करीबियों का मजमा है, और अल्लाह फरमा रहा है बंदा हो यासिमों का मेरा नाश, मत घबराओ हबीब, अब उस पैगाम को पहुंचा दो। अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा, अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा। देखो बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है और तुम बहुत बेदार हो इस वक्त, फिर सुनना। वल्लाह हो यासिमों का मेरा नाश, अगर शर होगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, इम्कान तो है कि शर होगा। विलायत अली पर शर होने का इम्कान है, भाई कुरान के पास वक्त नहीं है फालतू। कोई बात तो है कि हमेशा रहने वाली किताब रोक के ये जुमला कह रही है कि अगर शर हुआ, अगर विलायत अली पर शर हुआ तो हम तुम्हें बचाएंगे। इशारा दे दिया कि विलायत अली पर शर होगा, ठीक है ना? तो क्या तौहीद पर शर नहीं हुआ था? वहां तो बचाने का वादा नहीं किया।
क्या रिसालत मोहम्मद पे शर्म नहीं हुआ? सारी जंग रसूल के खिलाफ जो लड़ी गई, क्या ये शर्म नहीं था? मत भाई मत मानो मेरी बात को, लेकिन तारीख को तो मानोगे। मक्के में तौहीद पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। मदीने में रिसालत पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। तवज्जो रहे, गदीर में अली की विलायत पर शर होने का इम्कान है, कहता है कि हम बचाएंगे, मत घबराओ। तो मालिक ये फर्क क्यों है? कहा जब तौहीद रिसालत पर शर हो रहा था तो बचाने वाला अली था, अब अली की विलायत पर शर होगा, मैं बचाऊंगा। देखो, मैंने आज बड़ी जहमत दे दी और गुफ्तगू को इस मरहले पर यकीनन रोकना चाहूंगा कि विलायत अली पर शर्त हुआ, विलायत अली पर शर्त हुआ, लेकिन तारीख इस्लाम का कोई जमाना ऐसा नहीं है जब अली की विलायत का ऐलान बरसरे दरबार में किया गया हो। यह जुमला याद रखना, जब मुस्लिम इब्ने अकील गिरफ्तार होकर हाकिम कूफा के सामने पहुंचे, तो मुस्लिम ने जो अपने अकायद बयान किए हैं वो अकायद ये हैं, जाओ देखो किताबों में, कहने लगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलीयन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह वह खलीफा कहु बिलाफत। भरे हुए दरबार में किसी ने यह चैलेंज नहीं किया। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। भरे हुए दरबार में किसी ने यह चैलेंज नहीं किया कि यह तीसरा जुमला कलमे का तुम कहां से ले आए, ये तो बिदत है। यानी मुस्लिम ने यह कलमा पढ़ा ही इसलिए था कि वह जो बैठे हुए पले हुए उलमा है उनकी सनद मिल जाए। देखो, बात खुद ब खुद आई है मुस्लिम इब्ने अकील तक, और जाहिर है कि मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा। मुस्लिम को जानते हो ना, सफीर सैयदु शहदा, करबला का पहला शहीद, सिलसिले करबला का पहला शहीद, और इतनी अजमत वाला मुस्लिम कि हुसैन ने यह कहा था कि मुस्लिम सूरत हाल को देखना, अगर मौका हो तो सुलह कर लेना, मौका हो तो जंग कर लेना। मुस्लिम के पास मर्जी इमामत थी। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा और आज तवील मसायब भी नहीं पढ़ूंगा। मुस्लिम के चार बेटे थे, दो करबला के मैदान में थे, मां के साथ आए थे, और दो बेटे बाप के साथ गए थे। सब जानते हैं तारीखी वाकयात में। जब असहाब हुसैन के शहीद हो चुके तो अब बनी हाशिम में यह बहस थी कि पहले कौन जाए। दो चार दिन में तारीख कहां बयान होती है? तुम्हारी आंखें नमनाक हो गई, तुम्हारी सदाएं गुरुगीर हो गई,
लेकिन अभी तुमने वाकया भी बयान नहीं किया ना। देखो मुअर्रिख ने हुसैन इब्न अली पर एक एतराज किया है, वो एतराज सुन लो और फिर मुझे आगे बढ़ जाने की इजाजत दे दो। मुअर्रिख ने हुसैन पे एतराज ये किया कि हुसैन ने आशूर के दिन पहले अपने साथियों को कत्ल करवाया, फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले वालों को, अपने खानदान वालों को कत्ल करवाया और अपने बच्चों को बचाए रहे, और जब कोई दकीका न बचा तो फिर अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। पहले अजहाब अंसार, आवान, फिर बनी हाशिम, बनी हाशिम के बाद करीबी भाई, करीबी भाई के बाद बेटे, बेटे के बाद खुद हुसैन। यही है तरतीब, तरतीब ही यही है। तो मोतरिक का एतराज क्या है? मोतरिक ने क्या कहा कि पहले अपने दोस्तों को कत्ल करवा दिया, होना तो चाहिए था कि पहले अपने आप को पेश करते, है ना? देखो मेरा जुमला याद रखना, करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। मेरा ये जुमला याद रखो, करबला में मरना आसान था, जो भी मर जाता वो मुसीबतों से निजात पा जाता, और जो जितना ज्यादा जिंदा रहता वो उतना परेशान रहता। तो मेरे मौला ने रहम किया अपने साथियों को, साथियों पर, कि पहले उन्हें भेज दिया और रिश्तेदारों को रोका ताकि वो मसाइब को बर्दाश्त करें। असहाब गए, जब असहाब खत्म हो गए तो एक मर्तबा खानदान बनी हाशिम में ये बहस छिड़ी कि पहले कौन जाए, पहले कौन जाए मैदान में। एक मर्तबा मुस्लिम इब्न अकील का बड़ा बेटा आगे आया, कहा चाचा जान मुझे इजाजत है, सर से पांव तक मुस्लिम के बेटे को हुसैन ने देखा, पता ना पता सौदा ठंडी सांस ली और कहा जाओ अब्दुल्ला मैंने तुम्हें इजाजत दी। मुस्लिम इब्न अकील की शजाअत तुम्हारे इल्म में है, अकेला मुस्लिम, बार बार फौजें बुलाई गई हैं मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए, और जब बार बार फौजें मंगाई गई हैं तो हाकिम कूफा ने झुंझला के कहा कि एक शख्स तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि ये मक्के के किसी बक्कार से जंग नहीं है, ये खानदान अली के एक जवान से जंग है, उसका बेटा है अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम। आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रहा हूं और अब सामने वक्त में वाकई गुंजाइश भी नहीं है ताकि ये जुमले पहुंच जाए। बहादुर था, आने के बाद मैदान में बेटे ने रजत पड़ा कि अगर नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं मुस्लिम इब्न अकील का बेटा हूं। ये कह के हमला किया, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। रावी कहता है कि एक मर्तबा उस बच्चे ने यह महसूस किया कि कोई तीर मेरे माथे की तरफ आ रहा है, उसने रोकने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, वो हाथ माथे से पैवस्त हो गया। अकेले हाथ से मुस्लिम के बेटे ने जंग की, किसी ने पुकार के कहा अरे ये मुस्लिम का बेटा है, इसे घेर के मारो। जब घोड़ों की चापे पड़ी तो आवाज दी बाप्पा चचा मेरी मदद को। अरे कुमार अल्लाह, अजरकुमर अल्लाह, दो चार जुमले सुन लो।
इन शोहदा का तस्करा मिंबरों से अक्सर नहीं हुआ करता, लेकिन मेरा जी चाहा कि तुम्हारे सामने मैं चंद जुमले बयान करूं। हुसैन आए, दौड़ते हुए आए, अकबर साथ आए, अब्बास आए। हुसैन ने अब्दुल्लाह के लाशे को उठाया, लाए खैमे में। अभी बीबियां मातम कर रही थी कि इतने में खबर आई अब्दुल्लाह के छोटे भाई की लाश भी आ गई। बस तुम रो चुके। अब्दुल्लाह के छोटे भाई की लाश भी आ गई। मियां सुनना सुनना, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। तो ये दो बच्चे मुस्लिम के आशूर के दिन करबला के मैदान में शहीद हुए। भाई यही तो है ना। और वो दो बच्चे जो मुस्लिम के साथ गए थे, जब मुस्लिम पर हमला हुआ तो वो गुम हो गए। 11-12 बरस के छोटे छोटे बच्चे। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम कि वो बच्चे कहां गए। बाप मारा गया, मां दो बच्चों का दाग लिए हुए करबला से चली। जब काफिला कूफे में दाखिल हुआ तो दो वाके हुए, दो वाके। बस ये दो वाके सुनो, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। ये वाकयात बयान नहीं होते। मेरा जी चाहा कि मैं इन वाकयात को तुम्हारे सामने बयान करूं। जब काफिला कूफे के बाजार में आया तो कूफे के बाजार से जरा सा हटकर एक कब्र बनी हुई थी, और उस कब्र पर एक बीवी बैठी हुई रो रही थी। शहजादी जैनब की निगाह उस बीवी पर पड़ी कि कोई बीवी रो रही है। शहजादी करीब गई और कहा कि ऐ बीवी, क्या ये तेरे भाई की लाश है? ये तेरे भाई की कब्र है? इसमें तेरे भाई का जनाजा है? कहा नहीं बीबी, नहीं, मैं इस काबिल कहां कि इसकी बहन होती। इसकी बहन तो कायनात की शहजादियां हैं। ये जो साहिबे कब्र है, ये जो साहिबे कब्र है, इसकी बहन तो कायनात की शहजादियां हैं। कहा भाई वो शहजादियां कौन है? कहा एक का नाम जैनब है, दूसरी का नाम उम्मे कुलसूम है। कहा अरे मेरे मुस्लिम की कब्र है। बस आखिरी जुमला सुनो, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब मैं ज्यादा सहमत नहीं दूंगा। आगे आगे काफिले के आगे शहजादी जैनब का नाका था, और काफिले के पीछे बेवे मुस्लिम का नाका था। बेवे मुस्लिम को कुछ खबर नहीं। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का। तुम रो चुके। बेवे मुस्लिम को कुछ खबर नहीं कि शहजादी जैनब ने किससे जाके बातें की और वो किसकी खबर है। जब दारुल इमारा के करीब ये काफिला पहुंचा तो एक सर दारुल इमारा पर अटक रहा था। ज़ौजा मुस्लिम की आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान न पाए। कहा बीबियो, ये किसके किसका सर है? किसी ने रोक कहा अरे ज़ौजा मुस्लिम, तुमने पहचाना नहीं, ये मुस्लिम इब्ने अकील का सर है। बीबी ने कुल एक जुमला कहा, वाली शहीद होने की शिकायत नहीं है, बस एक सवाल का जवाब दे दो। वो दो बच्चे जो मेरे साथ गए थे उनके छोटे छोटे सर तुम्हें लाई हूं, लेकिन जो दो छोटे बच्चे तुम्हारे साथ गए थे उनके सर मेरे वाली का।
बड़ी तेरी सरकार है, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा मददगार है। चाहे जो गर्दन से तलवार है, चाहे जो गर्दन से तलवार है, अरे तेरी ही जान उठेंगे कदम। संदे कब छुट गया लेकर चला था जो मैं काफिला, लेकर चला था जो मैं काफिला, कर्बोबाला में वो लूटा गया, कर्बोबाला में वो लूटा गया। अरे काफिला जब हूँ मैं तेरी कसम, इस संदे पगारा दीवार इस संदे पगारा दीवार उठाता हूँ मैं, ये देख कर लड़खड़ाता हूँ मैं, घर के दियों को बुझाता हूँ मैं, घर के दियों को बुझाता हूँ मैं, बदलाव सोनी से लगाता हूँ मैं, बदलाव सोनी से लगाता हूँ मैं, मेरी पापा का भरम संदे पता दीवार सजदे किए शुक्र के, सजदों पे सजदे किए शुक्र के, महसूस सा करना राजी तुझे, महसूस सा करना राजी तुझे, जाते हैं रोज से देख हम संदे पगारा दीवार दार, संदे पगारा दीवार दार, पहले हरम सजला से हो जाए मेरा जिगर, सजला से हो जाए मेरा जिगर, काबे का दम मैं रहूंगा मगर, काबे का दम मैं रहूंगा मगर, अरे तू कुछ रहे मुझको मंजूर हम संदे पगारा दीवार दार, संदे पगारा दीवार दार, संदे पगारा दीवार दार, संदे
करम पे ये होगी जफा, घर भी जलेगा जीने की रिदा। आमाल जब होगा दाचा मेरा, आमाल जब होगा दाचा मेरा, मक्कल में रोएगी माँ सैयदा, मक्कल में रोएगी माँ सैयदा। होगी मोहम्मद की आंखें भी नम, इस दम पे कदा राधे बारिदार, इस दम पे कदा राधे बारिदार। वो अतरे कैसे बया हो रे हानो नबी, सब हल्के सरवर पे तंजीर थी, सब हल्के सरवर पे तंजीर थी। कहना जो हाथों को मलती रही, कहना जो हाथों को मलती रही। अरे आदिल पे क्यों दादा सोहे आलम, इस दंडे भगा दीवार بابے ہوائے دے اے 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 بابے ہو